नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा मगर एक बार आपका फिर से स्वागत करती हूँ पायल सर्वेदा में, साथ ही मैम का भी स्वागत करते हैं। तो जैसे कि मैम हम ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं, तो हम जानना चाहते हैं कि आयुर्वेद में ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। हाँ, आयुर्वेद में ना ट्रीटमेंट को तीन डिविजन्स में हम लोग लेते हैं। सबसे पहले वही जो हम लोग बोलते हैं कि स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षण, हम लोग लोगों को गाइड करते हैं कि आपको खुद को कैसे हेल्दी रहना है। उसका सबसे पहले पार्ट आ जाता है सत्व विजय। सत्व विजय मतलब कि आपने अपने मन को कंट्रोल करना है कि मेरे लिए ये चीज़ नहीं ठीक है तो मुझे ये खानी नहीं है, है ना। तो जैसे बहुत बार होता है, हम लोग बहुत बहुत हेल्दी लोग होते हैं, हम लोग बोलते हैं कि आपको ये चीज़ें आपके लिए और मोटापा करेंगी तो आपको नहीं खानी चाहिए, या बहुत जो बहुत एग्रेसिव लोग होते हैं हम उनको बोलते हैं कि पित्तवर्धक आहार विहार नहीं लेना आपने, और जो वातिक है उनको बोलते हैं आपने बहुत ज़्यादा ड्राइनेस और नहीं अपनी बॉडी में लेके आनी, आपको ल्यूब्रिकेशन की ज़रूरत है। तो ये सत्व वजह है। सत्व इज माय माइंड, मैंने अपने मन को कंट्रोल करना है सो दैट मेरे जो ये जो मेरी प्रकृति एक बनी है, अब प्रकृति मेरे बस में नहीं है, वो बन चुकी है, है ना। तो मुझे जस्ट उसको मेंटेन करना है। मेंटेन करने के लिए मुझे क्या चीज़ अच्छी है मेरे लिए, क्या चीज़ बुरी है, उसको अवॉइड करना ताकि मैं हेल्दी रह सकूं, या उसको अवॉइड करके अगर मुझे कुछ छोटे मोटे प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उनको अवॉइड करके और जो मेरे लिए अच्छा है उसको मैं फॉलो करता हूँ तो मैं हेल्दी रहूँगा, है ना। क्योंकि इनिशियली आपको एकदम से बीमारी नहीं आती। यहाँ पे हम लोग बताते हैं कि इसकी अगर पैथोजेनेसिस हम देखते हैं तो इसमें 6 डिविजन्स आ जाती हैं। उसमें होता है संचय, प्रकोप, प्रसर, व्यक्तावस्था, वेदावस्था एंड देन स्थान संचय, है ना। तो ये है कि संचय, संचय है कि मेरी बॉडी में अगर मैं नहीं ध्यान रखता है तो मेरी बॉडी में दोषों का संचय होना शुरू हो जाता है। संचय हुआ, संचय इकट्ठा हो गया, उसके बाद उसका नहीं हमने ध्यान रखा तो प्रकोप हो गया। उसके बाद प्रसर, प्रसर है कि वो बाकी जगह पे भी फैलना शुरू, कोई चीज़ ज़्यादा हो जाएगी तो प्रसर करना शुरू करेगी। उसके बाद व्यक्तावस्था, व्यक्तावस्था है कि वो बॉडी पे मैनिफेस्टेशन शुरू होगी। अगर हम लोग जैसे स्किन डिजीजेस की बात करते हैं तो फोड़े फिंसियाँ मेरी बॉडी में कहीं ना कहीं शुरू हो जाती हैं, व्यक्तावस्था। उसके बाद भेदावस्था, भेदावस्था है कि भाई बहुत ज़्यादा मेरी बॉडी में हर चीज़ उसका मतलब प्रकोप, मतलब बहुत ज़्यादा मेरी आउट ऑफ कंट्रोल होना शुरू हो गया, है ना। और उसके बाद है कि वो स्थान संचरण, मतलब जहाँ पे भी मेरी बॉडी में वीक पॉइंट होगा वहाँ पे वो जाके मैनिफेस्टेशन शुरू कर देती हैं। तो ऐसे ही ये जितनी भी डिजीज़ है वो ये नहीं कि मैंने आज कुछ खाना शुरू कर दिया तो तीसरे दिन जाके मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी, इट टेक्स टाइम, है ना। तो उतनी देर में अगर हम लोग ये बोलते हैं कि अगर आप अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं तो आपके प्रॉब्लम्स वहीं सबसाइड हो जाएंगे। उसके बाद आ जाती है युक्ति व पार्श्व चिकित्सा। हमने एक टाइम पे बता दिया कि ये आपको प्रॉब्लम होने वाली है और आपने कंट्रोल कर लिया, अगर फिर वो चीज़ें नहीं होती फिर उसके बाद आती है युक्ति व पार्श्व। युक्ति नाम से ही है ना, जैसे एविडेंट है कि युक्ति लगाते हैं कि आपको इन दोषों से प्रॉब्लम हो रही है तो आपके ये दोष कैसे सबसाइड होंगे, उसके लिए हमने क्या करना है, हमने उसके लिए आपका वमन विरेचन करना है, कैसे शोधन करना है, कोई हमें मेडिसिन्स कौन सी देनी पड़ेंगी, आपकी मेडिसिन से ही ठीक हो जाएगी या हमें कोई और तरीके की शुद्धि भी करनी पड़ेगी। वो जो पंचकर्मा के हमारे जो जितने ट्रीटमेंट हैं वो शुद्धि में ही आ जाते हैं। उसमें वमन है कि हम लोग इंड्यूस्ड वॉमिटिंग्स करवाते हैं आपकी, कि आपकी बॉडी में वो होता है मेनली पित्तजन्य डिजीजेस जितनी हैं उसमें हम लोग वमन करवाते हैं, और जितनी हमारी डिजीजेस हैं वातिक और कफ से उसमें हम लोग विरेचन करवाते हैं। विरेचन है कि आपकी बॉडी में परगेशन के लिए हम लोग उसको हेल्प करते हैं, आपकी बॉडी में से वो दोष मोशंस के साथ निकल जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं, तो इसीलिए इसको युक्ति व पार्श्व कहते हैं।